Legend, the best PR, Yogin Shah, best photographer, Chaitanya Padukone, best journalist and author. Nandi ji, मेरी एक request है आपसे, थोड़ा सा comment करें, थोड़ा सा comment करें, क्योंकि आप आएंगे सब ऊपर आ जाएंगे, हम संभाल नहीं पाएंगे. Chaitanya Padukone, best journalist and author. कानून सबके लिए बराबर है मेरे दोस्त. Please, please, गलत काम कर रहे हैं. Nandi ji, आप गलत काम कर रहे हैं. Please. आप आएंगे सब ऊपर आ जाएंगे, मैं मुश्किल में आ जाऊंगा. प्लीज जितने भी अवार्ड्स हो चुके हैं प्लीज गेट ऑफ द स्टेज और हमारी जितने भी मीडिया फैमिली को अवार्ड्स मिले उन सभी के लिए जोरदार तालियां एवरीबॉडी फ्रॉम द मीडिया तालियां प्लीज कम ऑन बहुत जरूरी है बहुत मेहनत से मिलता है अवार्ड ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों ये थी अवार्डों की श्रृंखला और मैं अपने संगी शाह साहब से चाहता हूँ कि वो महिमा जी का और राजकुमार संतोष जी का स्वागत करें और उसके पहले मैं चाहता हूं कि महिमा जी दो शब्द बोलते हैं प्लीज नमस्कार आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस प्यारे से अवसर पर बुलाया और यहाँ पे सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार और जिन लोगों को अवार्ड्स मिला है कंग्रेचुलेशंस काश मैं आप और अवार्ड्स दे सकती लेकिन हमारे से भी बहुत बड़े बड़े लोग ग्रीन रूम में इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों को सम्मानित करने के लिए तो अब मैं अपने फेवरेट डायरेक्टर राज जी से कहूंगी कि वो कुछ कहें माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू प्लीज कीप अप द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग कांग्रेचुलेशंस गॉड ब्लेस थैंक यू सर आप दुआ कीजिए कि हम लोग ये काम करते रहें आप जैसे अपने सिनेमा के जरिए लोगों की सेवा करते हैं लोगों को जागरूक करते हैं ऐसे हमारा अपना यह एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन है मेहनत करके लोगों के घरों तक जाता है बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई के लिए शिक्षा देते हैं हम लोग और इस तरह के कुछ काम करते हैं तो आप जैसी हस्तियां जब हमारे शो में आती हैं तो हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं उनका जोश बढ़ जाता है सर सर बहुत बहुत शुक्रिया मैं संगी साहब से चाहूँगा कि मैम का स्वागत करें सनी सर एक अवार्ड रह गया है आई रिक्वेस्ट यू बस एक अवार्ड हो जाए योगेन शाह जी प्लीज बेस्ट फोटोग्राफर प्लीज गो एंड रिसीव योर अवार्ड कंग्रेचुलेशन मैं सनी साहब से चाहूंगा कि वो राजकुमार संतोषी जी का स्वागत करें मैम सॉरी एक अवार्ड छूट गया है लेके आइए अवार्ड लेके आइए 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 सर सर एक एक अवार्ड छूट गया था आज ओके सनी जी दो और अवार्ड्स हैं जो थोड़े लेट हो गए बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू विनोद गंडा जी गॉड फीलिंग आई लाइक टू गिव माय बेस्ट विशेस टू हिम आई हैव हिज कलर्स हिज अ फाइटर हिज अ स्ट्रांग पर्सन माय बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स दैट ही गेट्स द स्ट्रेंथ टू फाइट मेंबर ऑफ द टीम टेक ऑन द रेडियो कैन यू सी विनोद गंडा व्हाट यू हैव टू सी दैट टाइम
long fight. So, yeah, he inspires you even now. He's such a hero. He's fighting. And that's what I thought, that it's really, it's a strength that came Can across. Can you talk with your family, any of the members, or any visitors? No, no. Are you planning to visit? No. I was not that close to sir, but I met him at events and stuff like that. But yes, he's part of the films, and I've always been a big fan of his. So yes, I do pray, and that was my first concern. Last 2 years, when I visited even Bangalore and some of the resorts, I've heard that he was there spending time. He's looking after himself. He was taking very good care of himself, and he was fighting it. That's what I thought when I saw the picture first, that he's a true hero. He's put up such a great fight. मैंने सुना परदेश का जो रीमेक है वो टेलीविजन पे बना है आई थिंक कोई सीरियल तो यस आई थिंक पीपल लाइक टू सी व्हाट हैपेंड बिफोर अ फिल्म कुछ नहीं सुनाई दे रहा हाँ रिक्रिएट हो आई थिंक जो कंटिन्यूसली हिट रहता है वो है आई लव माई इंडिया बिकॉज वो पूरे देश को आई थिंक ट्वाइस अ ईयर एक तो रिपब्लिक डे एक इंडिपेंडेंस डे बजता ही है और अभी तक जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी तो मैं फिल्म नहीं कर रही हूँ तो वो मुझे पहचानते हैं उस गाने से क्योंकि वो लोग उसको स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो एक बार गाना देखे थे फिल्म का तो देन दे नो कि आई एम दैट पर्सन मेरी बेटी ने भी पहली बार मुझे उसी से पहचाना Gracias.
मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ह्यूमन राइट्स का मैं एक सदस्य हूँ, ह्यूमन राइट्स का मैं भी एक सदस्य हूँ और मुझे आज इस काम के लिए बुलाया गया और मुझे अच्छा लग रहा है। किसका? विनोद खन्ना जी का कुछ बैड न्यूज़ आया अभी तक, आई डोंट नो। बहुत खराब है तबीयत। नहीं नहीं, तबीयत खराब नहीं, अभी बैड न्यूज़ आया, नॉट खराब। मैं उनके लिए गाना गाया और उनके लिए एक नहीं बहुत सारे गाने गाए। मैं चाहता हूँ कि अगर वो ठीक हो जाए, ऐसे लोग ठीक हो जाना चाहिए, हम बहुत प्यार करते हैं उनको। काश ऊपर वाले अगर ठीक करते। थैंक यू वेरी मच। चलो ए भाई,